हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसफुल लाइफ। पीसफुल लाइफ में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट रेसिपी, जिसका नाम है ब्रेड का पोहा। ब्रेड का पोहा बनाने में बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल है, इसको कोई बिगनर भी आराम से बना सकता है। तो एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा ये खाने में कैसा लगता है, और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रेड का पोहा। ब्रेड का पोहा बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो चलिए उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ब्रेड के स्लाइस चाहिए होंगे। यहाँ पर मैंने 8 स्लाइस यूज़ किए हैं। ये मीडियम साइज़ के ब्रेड हैं। आप बड़ा या छोटा कैसा भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, और आप ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल ब्रेड यूज़ किया है। एक बाउल मैंने मटर यूज़ किया है। मैं इसको फ्राई करके यूज़ करूँगी। आधा कटोरी टमाटर है, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आधा कटोरी प्याज है, एक हरी मिर्च है, और ये मूंगफली है, जिसको मैं हल्का सा फ्राई करके यूज़ करूँगी। ये हल्दी, धनिया, गरम मसाला, जीरा, लाल मिर्च, मैं दोनों मिर्च यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लाल मिर्च नहीं खाते हैं तो आप इसको बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। और ये मैं थोड़ा सा चाट मसाला भी यूज़ करूँगी, जिससे खट्टा मीठा स्वाद आएगा तो अच्छा लगेगा। और ये हींग, एक चुटकी हींग यूज़ करूँगी, और स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। और फ्राई करने के लिए ऑयल की ज़रूरत होगी। यहाँ पे मैं सरसों का ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ब्रेड का पोहा कैसे बनाना है। चलिए सबसे पहले हम हल्का सा ऑयल डाल के हम मटर को फ्राई कर लेते हैं। देखिए डाल के मटर को अच्छे से फ्राई कर लीजिए। इसको चलाते रहिए, तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी। अब मटर हमारा फ्राई हो चुका है, हम इसे एक प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। इसी पैन में दोबारा हल्का सा ऑयल डालकर हम इसमें मूंगफली फ्राई कर लेंगे। मूंगफली को भी हमें हल्का भी फ्राई करना है, ताकि डार्क ना हो। ये अच्छे से फ्राई कर लीजिए इनको। मूंगफली हमारी फ्राई हो चुकी है, इसे भी हम अलग बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। मैं ऑयल का कम यूज़ करूँगी। अब इसमें हम जीरा डाल देंगे। जीरा को हल्का सा फ्राई कर देते हैं, और हींग, तो हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, इसको भी, इसको लाइट ब्राउन ही करना है, हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है इसको। हरी मिर्च भी हम डाल देंगे, ताकि वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे, धनिया पूरा ही यूज़ कर लेंगे, गरम मसाला, लाल मिर्च, और ये चाट मसाला। अब हम इसको हल्का सा मिक्स कर देंगे प्याज के साथ। जब ये मिक्स हो जाए तब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, ताकि वो अच्छे से पक जाए। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर दीजिए इसको। जब तक हमारा टमाटर पक रहा है, तब तक हम ब्रेड को क्रश कर लेते हैं। ये देखिए, सब फिर ब्रेड को इस तरीके से आप तोड़ के हाथों से आसानी से क्रश कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपको बारीक बारीक ऐसे तोड़ लेना है। इसके जो ये किनारे हैं, इनको आप अच्छे से तोड़ लीजिए। ये देखिए इस तरीके से आप सारी ब्रेड को क्रश कर लीजिए। अब हमारा टमाटर अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें ब्रेड का चूरा डालेंगे, जो हमने ब्रेड को बारीक बारीक क्रश कर लिया था। अब हम ये सारा इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, अब हम इसको अच्छे से
चलाते हुए मिक्स करेंगे ताकि मसाले सारे अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। ये देखिए अब ये लगभग मिक्स हो चुका है। हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे और हम इसको एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए इसको थोड़ी देर चलाते रहेंगे वरना ये नीचे से लगने का डर हो सकता है, इसलिए आप हल्के हाथों से इसको चलाते रहिए और फ्राई करते रहिए, क्योंकि इसको फ्राई करेंगे तो एक बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब ये देखिए अच्छे से फ्राई हो चुका है, क्रम से सारे बढ़िया से ब्राउन हो चुके हैं। अब हमारा पोहा तैयार है, ब्रेड का पोहा। अब हम इसमें मूंगफली ऐड कर देंगे, सॉरी मटर। ये देखिए मटर अच्छे से इसमें मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें मूंगफली ऐड करेंगे, इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और अब हम इसे एक अलग बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। ये देखिए पोहा मैंने ब्रेड पोहा बाउल में शिफ्ट कर लिया है। अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ धनिया यूज़ करूँगी गार्निशिंग के लिए और अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। आप इसे नाश्ते में मॉर्निंग में सर्व कर सकते हैं या इवनिंग टाइम स्नैक्स में भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये बनाने में बहुत ही सिंपल है और खाने में उतना ही टेस्टी है और हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें प्याज टमाटर मूंगफली मटर सब कुछ इसमें पड़ा हुआ है, तो ये खाने में बहुत ही हेल्दी है। आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो ब्रेड पोहे का अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।